नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे पेटीएम के कस्टमर केयर से कैसे आप बात कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है पेटीएम से रिलेटेड, पैसा भेजना, पैसा प्राप्त करना, या फिर पेटीएम से रिलेटेड ऑल चीज, कोई भी चीज, कैसे आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, मैं उस रुपये का चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे जी टेक्निकल। दोस्तों, आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं, अब आपको अपने कस्टमर केयर से बात करनी है पेटीएम के। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर अपने आइकन पर क्लिक करना है पेटीएम के, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा 24x7 हेल्प कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपने यदि कोई फिलहाल में कोई बातचीत की होगी कस्टमर केयर वालों से, कुछ मुद्दा उठाया होगा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा। एंड आप चाहे तो आप रिसेंट अपना जो भी चीज़ है उनके खिलाफ भी कोई बात कर सकते हैं, या फिर उनसे बात कर सकते हैं। खिलाफ क्या बात करना, मतलब बात करना कस्टमर केयर से। यदि आप चाहते हैं उनसे बात करना अपनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट 24x7 हेल्प इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए बैंक वैलेट एंड पेमेंट से रिलेटेड बात करनी है, कोई समस्या का समाधान चाहिए डायरेक्ट बातचीत करके, तो आप इस नंबर पर कॉल लगाइए। मूवी टिकट या इवेंट से रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं। ट्रेवल एंड होटल से रिलेटेड कोई बात हो तो पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर रिचार्ज बिल एंड पेमेंट गोल्ड, देखिए इन सभी चीजों से रिलेटेड आप केवल इनसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बैंक वैलेट और पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो तो डायरेक्ट आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर मैंने लगाया कॉल, एंड कॉल लगाने के बाद यहां पर जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अभी हम इसको कॉल लगाएंगे पेटीएम हेल्पलाइन नंबर, एंड इसके ऊपर क्लिक किया तो आप चाहे तो इनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पासवर्ड, पिन और एटीएम अकाउंट से संबंधित समस्याओं के लिए एक दबाएं, केवाईसी से संबंधित समस्याओं के लिए दो दबाएं, जीपीआई से संबंधित समस्याओं के लिए तीन दबाएं, एटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ने या भुगतान करने या भेजने से संबंधित समस्याओं के लिए चार दबाएं, एटीएम बैंक डेबिट कार्ड या चेक बुक से संबंधित किसी भी समस्या के लिए पाँच दबाएं, मर्चेंट अकाउंट से संबंधित समस्या के लिए छह दबाएं, पेटीएम वॉलेट सेविंग्स अकाउंट या डेबिट कार्ड के खो जाने या अनधिकृत उपयोग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सात दबाएं, पेटीएम पर प्लेस किए गए ऑर्डर शॉपिंग ट्रैवल मूवीज रिचार्जेस के लिए आठ दबाएं, भाषा बदलने के लिए शून्य दबाएं, दोबारा सुनने के लिए स्टार दबाएं। प्रिय ग्राहक, कृपया ध्यान दें, अभी हमारे पास अधिक संख्या में कॉल्स आ रही है, इसलिए कृपया पेटीएम ऐप के 24x7 हेल्प सेक्शन में जाकर आप अपने सवालों के जवाब और सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपने सुना कि अभी उसने कहा था कि हमारे पेटीएम के जो भी है बहुत सारी कॉल आ रही है तो हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि ये मोबाइल नंबर है जिसके सहारे आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। यदि आप एक सही समय पर फोन लगाते हैं तो ये जो नंबर है पेटीएम कस्टमर केयर वालों का, ये नंबर लगेगा एंड आपसे कस्टमर केयर वाले बात भी करेंगे। यदि उनके पास यदि बहुत सारी कॉल नहीं आएगी, बहुत कम कॉल आएगी तो अटेंड होता है, तो आपसे बात कर सकते हैं बार बार ट्राई मारे। तो आपको मैंने रास्ता दिखा दिया है कैसे आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ये दोस्तों, आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों, आपको पेटीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।